कौन सा सब्जेक्ट शुरू करेंगे अभी हम लोग? पहले तो हमें सब्जेक्ट का पूरा नाम बताइए। सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। ओके, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट का अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, प्रोवाइडेड आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट हो और आपको समझ में आए। मतलब आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स के बारे में आई थिंक सुना होगा, सेंसेक्स सुना है सबने, ठीक है। लेकिन आई एम वेरी श्योर आपने ये सब कुछ सिर्फ सुने हैं, मतलब किसी चीज का नहीं पता। लेकिन जब हम लोग ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इन सारी फील्ड्स की नॉलेज आ जाएगी, नॉट एक्सपर्ट बट डेफिनेटली लर्निंग नॉलेज आ जाएगी। ओके, सो दिस सब्जेक्ट इज टोटली योर स्टॉक एक्सचेंज सेबी। जब हम बात करते हैं सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट मीन्स हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बताइए, लिस्टेड कंपनी की कि अनलिस्टेड कंपनी की? लिस्टेड कंपनी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, जैसे कि कंपनी लॉ में हम लोग देखते हैं जो भी अनलिस्टेड कंपनी है उनके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। और कंपनी लॉ में हर जगह आप लोग एक चीज देखते थे कि लिस्टेड कंपनी के लिए सभी रेगुलेशंस लगेंगे और वहां पर वो लाइन खत्म हो जा रही थी कि भाई अनलिस्टेड कंपनी के लिए ये है, लिस्टेड कंपनी के लिए सभी रेगुलेशंस लगेंगी, फुल स्टॉप। सभी रेगुलेशंस क्या है वो सब्जेक्ट है SLCA। ओके, इस सब्जेक्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ कौन सी कंपनीज की? लिस्टेड कंपनी की। और लिस्टेड कंपनीज के ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, किसने बनाए हैं? सभी। लेकिन उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनीज होती है, कहाँ लिस्टेड होती हैं? स्टॉक एक्सचेंज। देखिए बेसिकली कंपनी जो होती है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज अगर आप नाम से समझिए तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी बॉडी है जहां किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? स्टॉक, शेयर मार्केट जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी बॉडी है जहां पर लोग अपनी कंपनीज को लिस्ट कराते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, लिस्ट कराने का मतलब अगर मेरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो हम अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीद बेच कर सकते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? नाउ एक तरीका शेयर को खरीदने बेचने का क्या हुआ, ये बेसिक चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बेसिक चीजें हैं, बिकॉज हर चैप्टर का नाम अगर आप देखिएगा इंडेक्स में तो सेबी से शुरू हो रहा है, ठीक है। वो सारी अलग अलग रेगुलेशन है। अगर मान लीजिए मेरे पास आज रिलायंस का एक शेयर है और वो शेयर हम बेचना चाहते हैं तो उसका एक तरीका क्या है? उसका एक तरीका ये है कि हम मिस्टर ए के पास गए और हमने उनसे कहा कि भैया हम 200 रुपये में बेचना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम 200 रुपये में खरीदना चाहते हैं और हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो गए। दैट मीन्स एक बायर और एक सेलर, ये लोग आपस में मिले और इन्होंने शेयर की खरीद बेच कर ली। बट प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए मेरे पास रिलायंस का एक शेयर है और हमने ये कहा कि हम इसको 200 रुपये में बेचना चाहते हैं, ठीक है। अब हमें ऐसा बायर कहाँ मिलेगा जो 200 रुपये में ही इस शेयर को खरीदना चाहे, क्योंकि सेलर अपना शेयर ज्यादा से ज्यादा पे बेचना चाहेगा और बायर कम से कम पे खरीदना चाहेगा। तो हमने तो ये कह दिया मेरे पास रिलायंस का शेयर है, हम 200 रुपये में बेचना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा बायर ही नहीं मिल रहा था। और बायर ढूंढने के लिए तरीका क्या है? हम सब जगह ढूंढते रहते, कोई 200 में लेना चाहता है, लेना चाहता है। ऐसी प्रॉब्लम अराइज होने लगी तो ये सोचा गया क्यों ना एक इंटरमीडियरी बना दिया जाए, एक मीडिएटर यू कैन से, ठीक है, एक इंटरमीडियरी बॉडी बना दी जाए। हमने उस इंटरमीडियरी बॉडी से कह दिया कि हमें रिलायंस का शेयर 200 रुपये का बेचना है, तुम्हारे पास कोई बायर आए अगर तो हमको बता देना। ब्रोकर्स, ब्रोकर यही करते हैं। रियल एस्टेट में ले लो, प्रॉपर्टी के ब्रोकर क्या करते हैं? हमने कहा हमको प्रॉपर्टी बेचनी है 10 लाख रुपए की, तुम्हारे पास कोई बायर आए जो 10 लाख रुपए में खरीदना चाहता है तो तुम हमसे मिलवा देना। सिमिलरली शेयर मार्केट के लिए एक ब्रोकर आ गया बीच में, एक बॉडी आ गई बीच में, हमने उससे कहा मेरे पास रिलायंस का शेयर है, हम 200 रुपये में बेचना चाहते हैं। एक बायर आया स्टॉक एक्सचेंज के पास, मतलब उस ब्रोकर के पास, ठीक है, और उसने कहा कि हम रिलायंस का शेयर 200 रुपये में खरीदना चाहते हैं, कोई सेलर हो तो बताना। आप बताओ वो ब्रोकर क्या करेगा? वो ब्रोकर हम दोनों को मिलवा देगा और हमारा ट्रांजैक्शन करवा देगा। ये ब्रोकर कौन है? स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली करता क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बायर और सेलर को मिलवा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे देखें, एक इंटरमीडियरी बॉडी है, ये है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एक तरफ से बायर इनसे कांटेक्ट करते हैं और एक तरफ से सेलर। सेलर ने कहा कि हम अपना शेयर बेचना चाहते हैं 200 रुपए में,
बायर ने कहा हम एक शेयर खरीदना चाहते हैं 200 रुपए में। जैसे ही बायर और सेलर सेम प्राइस पे मैच होते हैं, इनके बीच में डील हो जाता है। यानी बायर और सेलर के बीच में कौन आ गया? ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज। तो हमको ये बताइए, स्टॉक एक्सचेंज के मैकेनिज्म के थ्रू शेयर खरीदना बेचना आसान हो गया कि डिफिकल्ट हो गया? आसान हो गया। पहले इस सेलर को बायर ढूंढने जाना पड़ता था कि भैया कहाँ बायर मिलेगा हमको। अब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उसको बायर और बायर को सेलर इजीली मिल जाता है। दिस इज द रोल, दिस इज द वर्क ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नाउ स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर लिस्ट कराने पड़ते हैं। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से शेयर्स बिक रहे हैं, कौन कौन से खरीदे जा रहे हैं, इसके लिए कंपनीज अपने आप को लिस्ट कराती हैं। और स्टॉक एक्सचेंज उनसे ये कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मेरे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तुम्हारे शेयर्स की खरीद बेच हो, तो तुमको मेरी कुछ एडिशनल शर्तें माननी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। एक कंपनी है, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज से कहा कि भैया मेरे शेयर्स आप अपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर लीजिए, ताकि मेरे शेयर्स की खरीद बेच स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू की जा सके। तो स्टॉक एक्सचेंज ने कहा ठीक है, अगर तुम मेरे यहाँ लिस्ट होना चाहते हो तो तुमको मेरी एडिशनल नियम शर्तें कानून मानने पड़ेंगे। तो उस कंपनी ने कहा ठीक है, हम आपकी एडिशनल शर्तें मानने लग जाएंगे। हम कंपनीज एक्ट तो मान ही रहे थे क्योंकि हम कंपनी हैं, अब हम सेबी की रेगुलेशन भी मानने लग जाएंगे। क्योंकि जैसे ही मेरे शेयर्स आपके पास लिस्ट हो जाएंगे, हम क्या कहलाए जाएंगे? लिस्टेड कंपनी। तो जैसे ही किसी कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा रहे हैं, इसका मतलब मेरे शेयर्स की खरीद बेच स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू की जा सकती है। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज की कुछ एडिशनल शर्तें माननी पड़ेंगी, और वो एडिशनल शर्तें किसने बनाई है? सेबी। अब जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी एक कंपनी भी है, क्योंकि वो एक कंपनी है तो उसके ऊपर क्या लगता है? कंपनीज एक्ट। और क्योंकि वो लिस्टेड है इसलिए उसके ऊपर किसके रेगुलेशंस लगते हैं? सेबी। इसलिए हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी ने अपने नियम कानून बनाए हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का हमने अभी एक बहुत छोटा सा पोर्शन आपको बताया। ये स्टॉक एक्सचेंज का पूरा चैप्टर नहीं है, इसका फुल फ्लेज्ड चैप्टर है। अभी तो हम आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सेबी रेगुलेशन बना क्यों रहा है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का फुल मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, बाइंग सेलिंग कैसे होती है, ये सब हम लोग डील करेंगे। कभी आपने बुल मार्केट बेयर मार्केट सुना है? अच्छा, आप तो पिक्चर से सुन लिया होगा, बिग बुल, है ना? आप तो थोड़ा बहुत पिक्चरें भी आ गई हैं इस फील्ड में, तो थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई होगी। ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी सुना है आपने, निफ्टी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस टाइम हम आपको जो बताना चाह रहे थे सिर्फ ये कि लिस्टेड कंपनी क्या होती है और क्यों लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी रेगुलेशंस लगती हैं। लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी रेगुलेशंस सिर्फ इसलिए लगती हैं क्योंकि ये उनकी लिस्ट होने की शर्त थी कि अगर तुम्हें बेनिफिट चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तुम्हारे शेयर की खरीद बेच हो, तो तुमको मेरी एडिशनल शर्तें माननी पड़ेंगी। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द नेम ऑफ द चैप्टर, सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002। हैव यू एवर हर्ड अबाउट स्वेट इक्विटी? स्वेट इक्विटी शेयर सुना है? कहाँ सुना है बताइए? कंपनी लॉ में सुना है। स्वेट का मतलब क्या होता था? पसीना, है ये याद रह गया। ठीक है, स्वेट इक्विटी, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी हमारी कंपनी में कुछ इंप्लॉयज हैं या कुछ डायरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने कंपनी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, हम उनको रिवॉर्ड के तौर पर शेयर्स दे देते हैं। एक तरीका क्या हुआ कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, हमने उनकी सैलरी बढ़ा दी, हमने उनको कैश दे दिया। दूसरा तरीका ये हुआ, वो लोग जिन्होंने हमारी कंपनी के लिए खून पसीना बहाया है, उनको रिवॉर्ड के तौर पर हम कुछ शेयर्स दे देते हैं, और इन शेयर्स को क्या कहा जाता है? स्वेट इक्विटी शेयर। अनलिस्टेड कंपनी भी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है, लिस्टेड कंपनी भी अपने एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर दे सकती है। अनलिस्टेड कंपनी अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी तो बताइए उसके ऊपर कौन से रूल्स लगेंगे? कंपनीज एक्ट के। अब जो पूछेंगे ध्यान से बताइएगा, लिस्टेड कंपनी, ठीक है, अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? दोनों लगेंगे। जनरली इसमें बच्चों का आंसर आता है सेबी रेगुलेशन लगेंगे। ये मत भूलिएगा, सेबी रेगुलेशंस आर एन एडिशन टू रेगुलेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट।
लिस्टेड कंपनी इज बेसिकली अ कंपनी, लिस्टेड कंपनी कंपनी भी है और लिस्टेड भी है, क्योंकि वो कंपनी है तो उसको कंपनी के नियम फॉलो करने हैं, क्योंकि वो लिस्टेड है इसलिए उसको सेबी के एडिशनल नियम कानून भी फॉलो करने। अब जब आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा या अगर पढ़ा होगा तो आपने वहां पर स्वेट इक्विटी शेयर्स की कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है, याद पूछेंगे नहीं, डरिएगा नहीं, ठीक है, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी। वो कंडीशंस जो आपने पढ़ी थी वो किसके हिसाब से थी, कंपनीज एक्ट। अब चैप्टर का नाम पढ़ो, सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002। इसका मतलब अगर कोई लिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है तो उसके ऊपर वो कंपनीज एक्ट वाले नियम कानून तो लगेंगे ही, प्लस ये रेगुलेशंस है। आ गई बात समझ में, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी समझना बहुत जरूरी है। देखिए आई ऑलवेज से सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़िए, आपके लिए ये भी बहुत मेन चीज, आपका एग्जाम ठीक है, पास होने के लिए एग्जाम है, बट देन यू हैव टू गो टू अ कंपनी। आप जिस कंपनी में जा रहे हो सबसे पहले ये देखना कि वो लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड कंपनी है। आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी में प्लेस हुए, वो अनलिस्टेड कंपनी थी, आपने सारी सेबी रेगुलेशन लगा दी उनके ऊपर, पहले तो उनको बेचारों को पता नहीं था, जब उनको पता चला कि क्या कर रहे हैं हमारे साथ तो आपके साथ क्या होगा आपको समझ आ जाएगा। अच्छा कितने लोगों को लगा इसमें दिक्कत क्या हुई, सही तो था सब, आप अनलिस्टेड कंपनी में प्लेस थे और आपने सारी सेबी रेगुलेशन लगा दी, वाइस वर्सा सोच के देखो वो ज्यादा खतरनाक है। आपका अपॉइंटमेंट हुआ लिस्टेड कंपनी में, आपने कहा हमने तो मॉड्यूल 1 अच्छे से पढ़ा था, कंपनी लॉ के सारे प्रोविजंस लगा दिए, कोई से भी रेगुलेशंस नहीं लगाए, पेनाल्टीज, समझ में आया। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर आप जिस कंपनी में गए हो वो लिस्टेड कंपनी है, जैसे ही वो लिस्टेड कंपनी है और आपकी कंपनी में ये डिसाइड हुआ कि भाई हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, अब आपको दो चीजें देखनी है, कंपनीज एक्ट का रेलिवेंट सेक्शन प्लस सेबी की स्वेट इक्विटी रेगुलेशन। दीज टू थिंग्स आर टू बी कंप्लाइड विद जब कोई लिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर का इशू निकालती है। That is why SLCM का जो सब्जेक्ट है that is very much related to company law. आप ऐसे सोच के चलो unlisted company के लिए पूरा वो था, listed के लिए वो plus ये था, so ये दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे, ठीक है, fine। तो हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये I think सबको समझ में आ गया, स्वेट इक्विटी शेयर ही पढ़ेंगे, लेकिन किसके रेगुलेशन, सभी रेगुलेशन जो कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, लिस्टेड कंपनी के ऊपर। वैसे ऑलमोस्ट प्रोविजन इसमें वही है जो कंपनीज एक्ट वाले हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं स्वेट इक्विटी होते क्या है। स्वेट इक्विटी शेयर्स रेफर्स टू इक्विटी शेयर्स गिवन टू द कंपनीज एम्प्लॉय, किसको दिए जाते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय ऑन फेवरेबल टर्म। अच्छा इसको शुरू करने के पहले जरा एक बार फटाफट देख के आओ चैप्टर बड़ा कितना है, फिर एक अच्छी बात बताएंगे। बहुत बड़ा है ना, छोटा सा है और कितना इजी है, देखो स्वेट इक्विटी ज्यादातर कंपनी लॉ में तो पढ़ा था। अब अच्छी बात बताएं क्या है, अभी इस बार के अगस्त में जो एग्जाम हुए थे ना 8 मार्क्स का क्वेश्चन था इस चैप्टर से, यू विल बी रियली हैप्पी टू नो। लेकिन इसमें भी आप खुश नहीं होंगे, आप कहेंगे 8 नंबर का उसमें आ गया अब हमारे में नहीं आएगा, है ना। सो 8 मार्क्स क्वेश्चन वॉज फ्रॉम दिस चैप्टर, और ऐसे चैप्टर से अगर ऐसे नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो श्योर शॉर्ट मार्क्स है, बिकॉज इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं, 4-5 पन्ने में तो आई थिंक चैप्टर खत्म हो गया है। सो दिस इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज कोई भी चैप्टर को लेंथ से असेस मत करिएगा कि ये छोटा सा है तो ये आएगा नहीं, ठीक है। चलो स्वेट इक्विटी शेयर्स रेफर्स टू इक्विटी शेयर्स गिवन टू द कंपनीज एम्प्लॉय ऑन फेवरेबल टर्म्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वर्क, यानी हमारे एम्प्लॉयज जो अच्छा काम करते हैं, जो कंपनी में उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं उसके बदले में रिवॉर्ड के तौर पर हम उनको क्या देते हैं, शेयर्स, और इन शेयर्स को क्या कहा जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ मेकिंग शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉय। जरा ये शब्द समझिए, शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, हम पेमेंट कर रहे हैं अपने डायरेक्टर्स को, लेकिन किस फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में, यानी अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है तो बदले में उनको कैश देने की बजाय हम उनको क्या दे रहे हैं, शेयर्स। द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर अलाउज द कंपनी टू रिटेन द एम्प्लॉयज By rewarding them for their services. जाहिर सी बात है अगर वो मन लगा के काम करेंगे हम उनको शेयर्स देंगे, ठीक है, तो उनका कंपनी में इंटरेस्ट लेवल ज्यादा होगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स रिवॉर्ड द बेनिफिशरी बाय गिविंग देम इंसेंटिव इन lieu ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। What do you mean by in lieu of? In place of. यानी उन्होंने हमारे लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने हमारे लिए जो एफर्ट किया है, उसके बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं, शेयर।
नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 88, मिल गया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये डेफिनेशन बताइए सेबी के हिसाब से कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से? कंपनीज एक्ट। कह रहे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 के हिसाब से स्वेट इक्विटी शेयर्स व्हिच मींस सच इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय। मार्क करिए किसको किसको दिया जा सकता है, डायरेक्टर्स को या फिर एम्प्लॉयज को। अच्छा ये बताइए क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? कैन शेयर्स बी इशूड एट अ डिस्काउंट? नॉर्मली डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? नो, अभी एकदम सब ताजा ताजा याद है ना, शेयर्स नॉर्मली डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। और इसके कितने एक्सेप्शन थे? दो एक्सेप्शन थे, जिसमें से एक एक्सेप्शन क्या था? स्वेट इक्विटी शेयर। अब नॉर्मल सी बात समझिए ना, अगर कोई शेयर मार्केट में 100 रुपए का है, हम अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड के तौर पर वो शेयर 100 ही रुपए का दे रहे हैं, तो उसमें रिवॉर्ड क्या हुआ? वो शेयर 100 रुपए का है लेकिन हम उसको कम रेट पे दे रहे हैं, वो उनके लिए बेनिफिट हुआ। ओके, अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। अगर उन्होंने कंपनी में अपनी नॉलेज दी है, नो हाउ मतलब नॉलेज दी है, क्रिएटिविटी लगाई है, उन्होंने हमारी कंपनी में कुछ क्रिएशंस किए हैं, इन्वेंशंस किए हैं, कुछ बेनिफिट दिया है, किसी भी तरह से अगर उन्होंने हमारी कंपनी में कोई वैल्यू एडिशन किया है, बेनिफिट क्रिएट किया है, तो उसके बदले में रिवॉर्ड के तौर पर हम उनको क्या दे देते हैं? शेयर्स। और वो शेयर्स कौन से होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। कंपनी इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगेन मार्क करिए, कह रहे हैं कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे दे सकती है या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब समझिए क्या हुआ? What do you mean by consideration other than cash? हमने उनसे कोई एसेट लिया, कोई बेनिफिट लिया और उसके बदले में कैश के बजाय हमने उनको क्या दे दिए? शेयर्स। To selected employees and directors as per the norms approved by board of directors or any committee like compensation committee formed for this purpose. This is based on the know-how provided or intellectual rights provided. What are intellectual properties? Intellectual rights कौन से हुए? जो अपनी स्किल से क्रिएट किए जाते हैं। जैसे हमने कोई इन्वेंशन किया तो इन्वेंशन के लिए क्या दिया जाता है? पेटेंट। हमने कोई बुक लिखी, कुछ ऐसा रिटन मैटर किया तो कॉपीराइट। ये होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अगर किसी एम्प्लॉई ने हमारी कंपनी के लिए कोई वैल्यू एडिशन क्रिएट किया है तो उसके रिवॉर्ड के तौर पर स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लिखा है, फॉर इंस्टेंस इफ अ पर्सन वर्क्स फॉर क्रिएटिंग ब्रांड्स ऑफ द कंपनी। कह रहे हैं जो एम्प्लॉय है उसने कंपनी का ब्रांड बनाया है। बताइए ये उसने कोई छोटा काम किया कि बहुत बड़ा काम किया? बड़ा काम किया है, उसने कंपनी की वैल्यू एडिशन करी है और इस काम के लिए बदले में हम उसे कैश की बजाय क्या दे रहे हैं? शेयर। कौन से शेयर दे रहे हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। आई होप यहां तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट की 3 लाइन जरा देखिए क्या लिखा है। इट मे बी नोटेड दैट intellectual property right, know-how, value addition arise of now mainly in case of information technology related companies and pharmaceutical companies. ज़्यादातर inventions वगैरह हैं या software वगैरह बनाने का काम कौन सी companies में होता है? Information technology company and pharmaceutical company. इन्हीं company में ज़्यादातर ये system चलता है कि उन्होंने हमारे लिए brand बनाया, उन्होंने हमारे लिए invention करी और हम उनसे कहते हैं कि बदले में हम आपको share देंगे और शेयर देने से आप हमारी कंपनी के एक शेयर होल्डर बन जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए किसी इम्प्लॉई को स्वेट इक्विटी शेयर मिला, उसके अधिकार और नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर के अधिकार सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? यू हैव अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? फॉर एग्जांपल किसी इम्प्लॉई को हमने शेयर दे दिए, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर दे दिए, उसका शेयर बेसिकली कौन सा शेयर है? इक्विटी शेयर। ठीक है, तो उसके अधिकार यानी अब वो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर है और उसको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो किसको मिलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को, कि उसके अधिकार कुछ अलग होंगे। स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर इज बेसिकली एन इक्विटी शेयर होल्डर। जो अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं वही सारे अधिकार किसको मिलेंगे? स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर। बस उसका नाम स्वेट क्यों है? क्योंकि उनके एफर्ट्स की वजह से रिवॉर्ड के तौर पर उनको दिए जा रहे हैं। बस शेयर मिलेगा कम पैसे में, सस्ते में, अधिकार सारे वही मिलेंगे जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? पक्का ठीक है,
बहुत टाइम बाद आप ऐसे पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा थोड़ा आराम से समझ में आएगा। जैसे आप घर पे पढ़ते हैं ना तो ऐसे खाने की 10 चीजें रख ली बगल में, है ना, एक फोन, 2-3 फोन रख लिए बगल में, है ना, बीच बीच में पॉज कर लिया, बट यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी आपको। चलो, स्वेट इक्विटी शेयर्स के प्रोविजंस अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट वाले क्यों पढ़ रहे हैं बताइए? क्योंकि लिस्टेड कंपनीज के ऊपर दोनों लगेंगे, ठीक है। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है और वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस लगेंगे प्लस सेबी रेगुलेशंस भी। तो पहले फिर से एक बार देखेंगे हम लोग कि कंपनीज एक्ट के कौन कौन से प्रोविजंस लगते हैं। अगर आपने मॉड्यूल 1 पढ़ा हुआ है तो आई थिंक आपको ये तुरंत याद आ जाएगा कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जाता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। व्हाट डू वी मीन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन? क्या मतलब हुआ स्पेशल रेजोल्यूशन का? वोट्स कास्ट इन फेवर आर 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर कोई कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है तो सबसे पहली चीज उसको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। इसका मतलब उसको अपने शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम अपने कुछ एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को कम रेट पर शेयर्स देना चाहते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज पासिंग ऑफ SR। सेकेंड कह रहे हैं द रेजोल्यूशन स्पेसिफाई, उस रेजोल्यूशन में लिखा होना चाहिए कितने शेयर है, उनका करेंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें रेजोल्यूशन में लिखी जाएंगी। ओके, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस क्या है और बदले में हम उनसे क्या ले रहे हैं, कहां लिखा जाएगा ये सारी चीजें? रेजोल्यूशन में। कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। और सी पॉइंट देखिए क्या लिखा है, द स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी हूज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद। कह रहे हैं अगर कोई लिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है तो उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, कौन से रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे? सेबी रेगुलेशन। कौन से सेबी रेगुलेशन हैं बताइए? वॉट आर द सेबी रेगुलेशन फॉर स्वेट इक्विटी शेयर? यही जो चैप्टर है, देखो यही तो है, ये देखिए सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन। तो देखिए लिखा है अगर वो लिस्टेड है तो उसको सभी रेगुलेशंस फॉलो करने, एंड इफ दे आर नॉट लिस्टेड तो क्या फॉलो करना पड़ेगा बताइए? कंपनीज एक्ट। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद रूल 8 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल। ये तीन कंडीशन कहां लिखी है? सेबी में लिखी है कि कंपनीज एक्ट में? कंपनीज एक्ट। हेडिंग देखकर आइए क्या थी इसी टॉपिक की, चैप्टर की नहीं पूछ रहे, इस टॉपिक की हेडिंग क्या थी? देखिए लिखा है स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की 3 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन। सेकंड, रेजोल्यूशन शुड स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस एंड कंसिडरेशन, बदले में क्या ले रहे हैं। एंड थर्ड कंडीशन क्या थी? कि अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसको सेबी रेगुलेशन भी फॉलो करनी है, और अगर वो लिस्टेड नहीं है तो उसको कंपनीज एक्ट के शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स फॉलो करने, ठीक है। दीज आर द 3 कंडीशन। यानी कि आपने ध्यान दिया, कंपनीज एक्ट खुद कह रहा है कि अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो सेबी रेगुलेशंस फॉलो। क्या हम लोग ने अभी तक सेबी रेगुलेशन शुरू किए? नहीं, अभी तक सिर्फ कंपनीज एक्ट का पोर्शन पढ़ा है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, अगली 3 लाइनें बहुत ध्यान से देखिएगा। The rights limitation, और बताइएगा इसका मतलब क्या हुआ? The rights limitation restrictions provisions as are for the time being applicable to equity shares shall be applicable to sweat equity shares issued and the holders of such share shall rank pari passu with other equity shareholder। बताइए क्या मतलब हुआ इन lines का? Normal equity shareholders के पास जो अधिकार हैं सेम अधिकार मिलेंगे किसको? स्वेट इक्विटी होल्डर्स को। एंड व्हाट इज दिस वर्ड पारी पासू? ऑन एन इक्वल फुटिंग, यानी एक बार आपको स्वेट इक्विटी शेयर मिल गया, अब आप और नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स दोनों सेम माने जाए, ठीक है, फाइन। तो अगर मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन पूछें, व्हाट आर द वेरियस राइट्स एंड प्रिविलेजेस व्हिच द स्वेट इक्विटी होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी, बताइए what are the special rights and privileges that sweat equity shareholders receive? unko sirf ek fayda milta hai, pata hai kya? discount pe,
सिर्फ एक फायदा मिलता है कि उनको शेयर डिस्काउंट पे मिलेगा, इसके अलावा उनको कोई भी राइट या कोई भी राइट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. देयर राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर इक्विवेलेंट टू नॉर्मल इक्विटी होल्डर्स. आ गई लाइन समझ में? दोबारा रिपीट करें कि हो जाएगा? देखिए एक बार फिर से. द राइट्स, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस एज फॉर द टाइम बीइंग आर एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स शैल बी एप्लीकेबल टू स्वेट इक्विटी शेयर. यानी इक्विटी शेयर के जो नियम कानून है वही स्वेट इक्विटी पे लगेंगे. और होल्डर्स ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक पारी पासू विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स. फाइन, चले आगे. वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ब्लॉक. व्हाट इज अ प्रेफरेंशियल इशू? सुना है कभी नाम प्रेफरेंशियल इशू? इसको आप शायद प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहते थे कभी कभी. प्रेफरेंशियल इशू का मतलब होता है जब कोई कंपनी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर इशू करती है. ठीक है, अगर मैं ये कंसिडर करके चलूंगी कि आपको कंपनी लोगों को कुछ भी नहीं याद है, ठीक है, तो इसलिए हम बेसिक से उठाएंगे. बिल्कुल वैसे कंसिडर किया, यही सिचुएशन सही में तो नहीं है कि हाँ ये बिल्कुल सही कंसिडर किया आपने. प्रेफरेंशियल इशू का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने शेयर इशू निकाला. एक होता है पब्लिक इशू. पब्लिक इशू का मतलब हमने सबके लिए निकाल दिया, जो शेयर लेना चाहता है वो ले ले. लेकिन अगर मान लीजिए मेरी कंपनी ने शेयर इशू निकाला हो और हमने ये कहा कि हम ये इशू सिर्फ एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए दे रहे हैं, सिर्फ यही लोग अप्लाई कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता, इसको क्या कहा जाता है? प्रेफरेंशियल इशू. ठीक है, समटाइम्स प्राइवेट प्लेसमेंट आल्सो. ओके, ये होता है प्रेफरेंशियल इशू. अब बहुत ध्यान से समझिएगा. ठीक है, सेबी की प्रेफरेंशियल इशू की सेपरेट रेगुलेशंस हैं. ओके, अब एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि मान लीजिए मेरी कंपनी ने, बहुत ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आप ही से पूछेंगे, मेरी कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे, तो हमारे कंपनी सेक्रेटरी ने कहा कि आपकी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है और वो भी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को दे रही है, सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज और कुछ डायरेक्टर्स को दे रही है और वो ही ले सकते हैं, तो ये तो प्रेफरेंशियल इशू हो गया. अब बताइए इसके ऊपर प्रेफरेंशियल इशू की रेगुलेशंस लगेंगी कि स्वेट इक्विटी की रेगुलेशंस लगेंगी? पहले तो हमको ये बताइए कि अगर मेरी कंपनी अपने इम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को शेयर दे रही है क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी में वैल्यू एडिशन किया है रिवॉर्ड के तौर पर, ठीक है, ये प्रेफरेंशियल इशू है कि स्वेट इक्विटी? स्वेट इक्विटी. सेबी के अंदर स्वेट इक्विटी की सेपरेट रेगुलेशन है, प्रेफरेंशियल इशू की सेपरेट रेगुलेशन है. तो बताइए अगर स्वेट इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं तो मेरे ऊपर ऑब्वियसली कौन सी रेगुलेशंस लगेंगी? स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस लगेंगी. इसका मतलब स्वेट इक्विटी शेयर के इशू पर प्रेफरेंशियल इशू के सभी रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, समझ में आया? अब क्वेश्चन समझिए क्या आ सकता है. एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज, एक कंपनी के एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स ने कंपनी में कुछ वैल्यू एडिशन किया जिसके बदले में कंपनी ने उनको शेयर इशू करे एट अ डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू. ठीक है, कंपनी के ऊपर एक नोटिस सर्व किया गया कि जब ये इंसिडेंस हुआ तो कंपनी ने सेबी की प्रेफरेंशियल इशू रेगुलेशंस कंप्लाई नहीं करी एंड ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सच रेगुलेशन कंपनी के ऊपर पेनाल्टी इम्पोज की जा रही है. बताइए वेदर द एक्शन इज जस्टिफाइड और नॉट जस्टिफाइड. अब आपको समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, क्योंकि जब हमने शुरू किया तब आप इधर उधर हो गए कहीं. फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा. मेरी कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज थे जिन्होंने कंपनी में बहुत सारा वैल्यू एडिशन किया, ठीक है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे हमने उनको शेयर्स दिए. मेरी कंपनी के ऊपर एक नोटिस आया है कि ये जो हमने सिर्फ एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को शेयर दिए हैं ये एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है और इसलिए कंपनी को प्रेफरेंशियल इशू की रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए जो कि मेरी कंपनी ने नहीं करी और इसलिए मेरी कंपनी के खिलाफ पेनाल्टी लगाई जा रही है. ये एक्शन जस्टिफाइड है डिपार्टमेंट का कि नॉट जस्टिफाइड? Why not justified? क्योंकि this was not a preferential issue, this was a sweat equity regulation. And कौन सी regulations applicable होंगी? सेबी की sweat equity regulations applicable होंगी. Hence the action of the department is not justified. इससे आपको ये समझ में आया कि इस subject में भी case study based question आएंगे. In fact इस subject में case study based question ही आएंगे. Company लोग की बहन है ये, बहुत खतरनाक खतरनाक बहन. पता है क्यों है? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं. प्रैक्टिकल समझ गए? क्वेश्चन प्लस माइनस करने वाले, प्लस माइनस नहीं एग्जैक्टली बट सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे और उसके अलावा 60-70% पेपर केस स्टडी बेस्ड आएगा. जैसे कंपनी लॉ में 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं वैसे इसमें भी 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे. डरा थोड़ी रहे हम, डराया हमने बिल्कुल नहीं. अभी आपने आंसर कर दिया कि नहीं कर दिया?
तो बेसिकली हम लोग को क्या समझ में आया, स्वेट इक्विटी अलग है और प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट अलग है। अगर प्रिफरेंशियल, अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर हम रिवर्स कर दें आपके लिए, कंपनी ने सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू किया, द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी अप्लाइड सेबी स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, वो कंपनी सेक्रेटरी आप थे, एक कंपनी ने सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू करा और कंपनी सेक्रेटरी ने सेबी की स्वेट इक्विटी रेगुलेशन अप्लाई कर दी, द डिपार्टमेंट मेड अ इंक्वायरी इनटू द कंपनी और उन्होंने एक एक्शन लिया कंपनी के खिलाफ कि कंपनी ने गलत रेगुलेशंस एप्लीकेबल करी है, देयरफॉर पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड। आप बताओ एक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट इज जस्टिफाइड और नॉट जस्टिफाइड, बताइए डिपार्टमेंट का एक्शन सही है कि गलत, सही है कि गलत, सही है, क्योंकि इस बार गलती क्या हुई, ये क्या था प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट और इस पर रेगुलेशन कौन सी लगा दी कंपनी सेक्रेटरी ने, स्वेट इक्विटी रेगुलेशन। आपको ये समझ में आया कंपनी सेक्रेटरी का काम कितना इंपॉर्टेंट होता है, कौन से केस में कौन सी रेगुलेशन लगानी है। अब जरा ब्लॉक पढ़ लो, वेदर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिफरेंशियल इशू, कह रहे इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इज नॉट अ प्रिफरेंशियल इशू एज पर रेगुलेशन 2(1) ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन व्हिच गिव्स द मीनिंग ऑफ प्रिफरेंशियल इशू एंड एक्सक्लूड्स एन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर देयरफ्रॉम। कह रहे हैं प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट डज नॉट इंक्लूड स्वेट इक्विटी शेयर, ये लाइन समझ में आई जो हमने आपको बोला, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट डज नॉट इंक्लूड स्वेट इक्विटी, क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर के लिए सेपरेट रेगुलेशन प्रिस्क्राइब की गई है, विच मीन्स इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर is not a preferential issue within the meaning of preferential issue. Further, Rule 13 of the Company Share Capital and Debenture Rule clearly excludes issue of sweat equity shares from the definition of preferential offer. Very important mark कर लीजिए, ये नहीं आया था paper में, तो ये आपके में आ सकता है, ये बता रहे, ये topic नहीं पूछा था, लेकिन ऐसे blocks जो हैं बहुत important हैं, तो हो सकता है ये आपके exam में आ जाए, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए वेदर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिफरेंशियल इशू, हो सकता है केस स्टडी के बेसिस पे आ जाए जैसा क्वेश्चन हमने अभी आपसे पूछा, जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था वो समझ आ गया था सबको, ये टॉपिक क्लियर है पक्का। अच्छा बताइए कंपनीज के हिसाब से कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्वेट इक्विटी के लिए, कितनी होती हैं, कितनी, 3, फर्स्ट स्पेशल रेजोल्यूशन, सेकेंड रेजोल्यूशन शुड स्पेसिफाई द डिटेल्स राइट, एंड थर्ड कि अगर वो लिस्टेड है तो सेबी स्वेट इक्विटी रेगुलेशन और लिस्टेड नहीं है तो कंपनीज एक्ट शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स, ओके। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कंपनीज सॉरी स्वेट इक्विटी शेयर्स आर नॉट द सेम एज प्रिफरेंशियल इशू, प्रिफरेंशियल इशू अलग है स्वेट इक्विटी अलग है। स्वेट इक्विटी होल्डर्स को क्या एडिशनल प्रिविलेज मिलता है, इसके अलावा कुछ मिलता है, किसके पारी पासो होते हैं वो, नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके। अब जरा हेडिंग पढ़ो, अब क्या शुरू हो रहा है, अब सेबी की रेगुलेशन शुरू हो रही है, यानी यहां से देखा जाए तो सेबी की स्वेट इक्विटी रेगुलेशन स्टार्ट हो रही है, ओके। सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस हैज बीन नोटिफाइड ऑन 24 सितंबर इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर एप्लीकेबिलिटी, बताइए ये रेगुलेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, बिना पढ़े बताइए, लिस्टेड कंपनी, भाई ये सेबी रेगुलेशंस हैं तो सेबी रेगुलेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, लिस्टेड कंपनी, देखिए पढ़ के वही लिखा है, listed companies which are issuing sweat equity shares are required to comply with SEBI issue of sweat equity regulation. Aur kiske upar apply nahi hongi? Unlisted, very simple. These regulations shall not apply to an unlisted company. Usi ke aage ek line likhi hai, however, unlisted company coming out with an initial public offer and seeking listing of its securities on the stock exchange pursuant to issue of sweat equity share shall comply with ICDR regulation. पहले तो देखो एक नया वर्ड आया आपके सामने ICDR regulation. ये आपके में एक चैप्टर भी है, ठीक है, issue of capital and disclosure requirement. फुल फॉर्म एज सच लिखने की जरूरत नहीं, पूरा चैप्टर है, ठीक है, 100-200 पन्ने का, ठीक है, कोई नहीं, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, ओके, इतना बड़ा नहीं है। अच्छा ICDR regulation का मतलब जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, देखिए कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट के अंडर अब बहुत सारे नए वर्ड्स आने वाले हैं आपके सामने। हैव यू हर्ड अबाउट IPO? व्हाट इज IPO? इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड हैव यू हर्ड अबाउट FPO? व्हाट इज FPO?
फर्दर पब्लिक ऑफर. व्हाट इज अ पब्लिक ऑफर? पब्लिक को शेयर इशू करना. व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल. व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर रादर? जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर इशू करती है तो वो क्या होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफर. और एक कंपनी जो ऑलरेडी अपना आईपीओ निकाल चुकी है, अब वो दोबारा अपने शेयर्स पब्लिक को देना चाहती है, कैपिटल रेज करना चाहती है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? एफपीओ. जब भी कोई कंपनी आईपीओ निकालती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आईपीओ निकालने की शर्त ये होती है कि आपको लिस्ट कराना पड़ेगा. ठीक है, दोनों बातें समझना. अगर आप आईपीओ निकालना चाहते हो तो आपको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. अगर आप लिस्टेड बनना चाहते हो तो आपको आईपीओ निकालना पड़ेगा. वन एंड द सेम थिंग. यानी कुल मिला के हर वो कंपनी जो पब्लिक को शेयर इशू कर रही है, आईपीओ निकाल रही है, वो अल्टीमेटली अप्लाई कर रही है किसके लिए? लिस्टेड के लिए. और फिर वो कौन सी कंपनी बन जाएगी? लिस्टेड कंपनी. और हर लिस्टेड कंपनी को शेयर इशू से रिलेटेड ये रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन. ठीक है, अब लिखा ये था अनलिस्टेड कंपनी. कह रहे हैं अगर मान लीजिए कोई अनलिस्टेड कंपनी है, वो अपना आईपीओ निकाल रही है. ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी कमिंग आउट विद एन इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड सीकिंग लिस्टिंग ऑफ इट सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज पर्सुएंट टू इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल कंप्लाई विद सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन. कह रहे हैं हमने स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे, ठीक है, और स्वेट इक्विटी शेयर करने के बाद अब हम पब्लिक इशू निकाल रहे हैं. बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे और अब हम पब्लिक इशू निकाल रहे हैं. अगर हम पब्लिक इशू निकाल रहे हैं, अब भी मेरे ऊपर क्या स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन ही लगेंगी? नो, अब हम अनलिस्टेड से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? लिस्टेड में. और मेरे ऊपर कौन सी रेगुलेशन लगने लग जाएंगी? आईसीडीआर रेगुलेशन. यानी जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू निकालेगी तो उसके ऊपर सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएगी. कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर सेबी की स्वेट इक्विटी रेगुलेशन का कितना यूज है? लिस्टेड कंपनी के लिए ये रेगुलेशन एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है. अच्छा, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. एक अनलिस्टेड कंपनी थी, ठीक है, उसने अपना आईपीओ निकाला, आईपीओ निकालने के बाद वो लिस्टेड हो गई और उसके ऊपर आईसीडीआर रेगुलेशन लग गए. अब वो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, बताओ कौन से रेगुलेशन लगेंगे? बताइए कौन से रेगुलेशन. मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिएगा. एक अनलिस्टेड कंपनी थी, ठीक है, उस कंपनी ने अपना पब्लिक इशू निकाल दिया. ओके, पब्लिक इशू निकालने के बाद उसके ऊपर सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस लग गई और अब वो बेसिकली क्या बन गई? लिस्टेड कंपनी. अब अगर वो स्वेट इक्विटी शेयर निकालेगी तो उसके ऊपर सेबी स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे इन एडिशन टू कंपनीज एक्ट. ठीक है, बेसिक बात सिर्फ इतनी है, जब तक वो अनलिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट, जैसे ही वो लिस्टेड बन जाएगी सेबी रेगुलेशन. एनी कंफ्यूजन? समझ आ गया? ओके, चलो, किसको इशू किए जा रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर? देखिए किसको इशू कर रहे हैं, इंप्लॉइज को एंड डायरेक्टर्स को. अ कंपनी हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मे इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड दीज रेगुलेशन. दो चीजें लिखी है कि एक चीज लिखी है? कह रहे हैं जो लिस्टेड कंपनी है उसको क्या क्या फॉलो करना है. देखो लाइन पढ़ के बताइए क्या क्या फॉलो करना है. एक तो उनको सेक्शन 54 फॉलो करना है कंपनीज एक्ट का एंड दीज रेगुलेशन. दीज मतलब स्वेट इक्विटी रेगुलेशन. और किसको किसको इशू कर सकते हैं? इंप्लॉइज प्लस डायरेक्टर्स. अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन. स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन. फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स At the time of sending notice to the shareholder, shall send additional information for approving the issuing of sweat equity share. Inter alia contain the following information. आपको ये याद होगा जब special resolution के पास होने के लिए हम लोग notice भेजते थे, meeting की notice. उस notice के साथ क्या जाता था? Explanatory statement. और explanatory statement में details जाते थे. अब ध्यान से समझिएगा, मेरी कंपनी में स्वेट इक्विटी शेयर इशू होने वाले, हमें उसके लिए शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए. कितने शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए? 75, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए हमें उनको इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी.
यानी उस नोटिस के साथ, मीटिंग की नोटिस के साथ हम क्या भेजेंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हमें डिटेल्स भेजने पड़ेंगे। किसके डिटेल्स, कि हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, कितने रुपए के इशू कर रहे हैं, ये सारे डिटेल्स भेजने पड़ेंगे। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, देखिए ये सब पढ़ा है मॉड्यूल वन में, अगर मॉड्यूल वन पढ़ाए। देखो इस वर्ड से शायद याद आ जाए, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, अब कह दो कि नहीं पढ़ाए। हाँ वो बात अलग है कि आपने भी एक्सप्लेनेटरी छोड़ दिया होगा सबका, बट ये सेम पॉइंट है जो आपने कंपनीज एक्ट के अंडर पढ़ा है। कह रहे हैं मीटिंग की नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जरा देखिए क्या क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने शेयर इशू करने हैं, उनका आज का मार्केट प्राइस कितना है, वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्निकल नो हाउ, और वैल्यू एडिशन टू बी रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। ये कह रहे हैं एम्प्लॉय ने हमारी कंपनी को कितने का बेनिफिट दिया जो हम उसको ये शेयर दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, कंपनी अगर अपने शेयर दे रही है एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को, तो शेयर होल्डर ये जानना चाहते हैं कि उसने क्या किया कंपनी के लिए जो तुम उसको शेयर दे रहे हो, उसने कितने रुपए का वैल्यू एडिशन किया, उसने हमारी कंपनी में 200 रुपए का फायदा कराया तो हम उसको 200 रुपए का शेयर दे रहे हैं। दैट इज व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, शेयर होल्डर ये जानना चाहते हैं कि उसने कितना वैल्यू एडिशन किया है कंपनी में जिसके बदले में हम उसको शेयर दे रहे हैं। फोर्थ, द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स टू होम स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी इशूड। ये आ गया पॉइंट समझ में, कौन कौन से डायरेक्टर्स को, कौन कौन से एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं। कंसिडरेशन टू बी पेड, जो हम उनको स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं उसके बदले में हम उनसे क्या ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए, स्वेट इक्विटी शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, फर्क है दोनों बातों में, डिस्काउंट पे देना और फ्री ऑफ कॉस्ट पे देना फर्क है। फ्री ऑफ कॉस्ट पे कौन से शेयर दिए जाते हैं, बोनस शेयर। तो ये कह रहे हैं कि हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रुपए हम आपसे लेंगे, वो कंसिडरेशन क्या है, कितने रुपए में हम उनको स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं। और ये सारी बातें किसको बताई जा रही हैं, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। द प्राइस एट विच द स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी इशूड, जी पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, सीलिंग ऑन मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन इफ एनी विच विल बी इफेक्टेड बाय इशुएंस ऑफ सच इक्विटी शेयर। व्हाट इज मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन याद है क्या होता था, जो भी, हाँ ये तो आपने बताया कितना होता था, डायरेक्टर्स को जो भी रेम्यूनरेशन मिलती है उसकी एक सीलिंग लिमिट होती थी। जैसा अभी आपने बताया कि अगर हम टोटल लिमिट लेके चले तो दैट वॉज 11%, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, डायरेक्टर को हम रेम्यूनरेशन देते हैं, ठीक है, आज हम उसी डायरेक्टर को शेयर दे रहे हैं, तो ये जो शेयर हम उसको दे रहे हैं ये उसकी मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट फॉर्म तो नहीं करेगा, और अगर ऐसा है तो कहीं ऐसा तो नहीं उसकी सीलिंग लिमिट ब्रीच हो रही हो। पूरी लाइन ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। उस डायरेक्टर को हम सैलरी देते थे जो उसकी मैनेजेरियल, पहले ये बताइए मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन सबको क्लियर है, ना हो तो ये भी बता दें, मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन मींस रेम्यूनरेशन व्हिच इज पेड टू द मैनेजर्स, और इसके लिए कंपनीज एक्ट ने एक लिमिट लगाई है कि मैक्सिमम आप उनको कितनी रेम्यूनरेशन दे सकते हो। अब कंपनी ने क्या किया, अपने डायरेक्टर को वो जो रेम्यूनरेशन दे रहा था प्लस उसके ओवर एंड अबव स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, ये जो हम शेयर दे रहे हैं क्या ये भी उनकी रेम्यूनरेशन का पार्ट है, कि चलो हम तुमको 100 रुपए सैलरी के तौर पे दे देंगे प्लस हम तुमको 200 रुपए के शेयर्स दे देंगे, तो क्या ये उनकी सैलरी का पार्ट है। और अगर ये उनकी सैलरी का पार्ट है तो उनकी जो मैक्सिमम लिमिट थी रेम्यूनरेशन लेने की, कहीं वो तो ब्रीच नहीं हो रही है, ये लिखना पड़ेगा हमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पे। ये पॉइंट समझ आ गया सबको पक्का, मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन कैसे ब्रीच होगी समझ में आ गया, ठीक है। तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन की सीलिंग लिमिट कितनी है, और ये शेयर इशू करके क्या उनकी मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट ब्रीच हो रही है। एनी डाउट, हाँ बेटा, ओके। एक क्वेश्चन ये आया है, अगर मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट ब्रीच हो रही होगी तो क्या होगा, नहीं दिया जाएगा शेयर। हाँ एग्जैक्टली, अगर दे दिया है तो नॉन कंप्लायंस होगा, और क्योंकि पहले ही चेक हो रहा है शेयर होल्ड, आप ये समझो ना ये क्या हो रहा है, शेयर होल्डर की मीटिंग के पहले ये स्टेटमेंट लिखना है। अगर शेयर होल्डर देखेंगे कि उनकी मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट ब्रीच हो रही है तो वो क्यों रेजोल्यूशन पास करेंगे, अल्टीमेटली स्वेट इक्विटी शेयर इशू ही नहीं होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, पक्का। नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट
company shall confirm to the accounting policy specified by SEBI. यानी एक कंफर्मेशन स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि भाई कंपनी ये जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है इसमें कंपनी ने सेबी की अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो कर लिया है. एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बताइए क्या हुआ. पहले तो बताओ अर्निंग पर शेयर क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर क्या हुआ, पर शेयर अर्निंग. अच्छा, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. तो अगर हम लोग ईपीएस का छोटा सा फॉर्मूला समझें तो जो टोटल अर्निंग्स होती हैं उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ शेयर से. तो हमको एक बात बताइए, अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, डिनोमिनेटर नीचे वाला पोर्शन, नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ेंगे तो ईपीएस कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा. अगर हम इसको नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारा ईपीएस कम हो जाएगा. स्वेट इक्विटी शेयर इशू होने से बताइए नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे. तो शेयर होल्डर्स ये जानना चाहते हैं कि आप नए शेयर इशू कर रहे हो इससे हमारी अर्निंग्स कितनी कम हो जाएंगी. और ये जो अर्निंग्स कम हो रही हैं इन्हीं को कहा जाता है डाइल्यूटेड ईपीएस. यानी हमारा ईपीएस कम हो जाएगा, हमारा ईपीएस डाइल्यूट हो जाएगा. ओके, तो वी नीड टू टेल द शेयर होल्डर्स, हमें शेयर होल्डर्स को भी बताना पड़ता है कि हमारा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना होगा. यानी जो नए शेयर हम इशू कर रहे हैं उससे हमारा ईपीएस कितना कम हो जाएगा. ये सारी चीजें कहाँ लिखी जा रही हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. किसको दे रहे हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स. क्यों दे रहे हैं शेयर होल्डर्स, क्या करने वाले हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन. क्यों पास करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन, फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर. क्या स्वेट इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल इशू सेम होता है, प्रेफरेंशियल इशू के ऊपर कौन सी रेगुलेशंस लगती हैं, सेबी की प्रेफरेंशियल इशू या आईसीडीआर रेगुलेशन. और स्वेट इक्विटी के ऊपर कौन सी लगती हैं, सेबी स्वेट इक्विटी रेगुलेशन. ठीक है, सेबी स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस के हिसाब से स्वेट इक्विटी शेयर किसको किसको दिए जा सकते हैं, एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स. ओके फाइन. और कंपनीज एक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की, फर्स्ट स्पेशल रेजोल्यूशन, सेकेंड रेजोल्यूशन शुड स्पेसिफाई द डिटेल्स, एंड थर्ड लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी रेगुलेशन प्लस कंपनीज एक्ट, एंड अनलिस्टेड के ऊपर कंपनीज एक्ट. एनी कंफ्यूजन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाली बात क्या थी, अगर हम किसी डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो क्या ये उसकी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में काउंट हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसकी मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट ब्रीच ना हो रही है. फाइन, एनी कंफ्यूजन टिल हियर, पक्का ओके. चलो देखो अगला टॉपिक लिखा है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू प्रमोटर, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. यहां तक एक बार फटाफट टर्न करके देखिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. हाँ बेटा. ओके, एक क्वेश्चन ये आया है कि क्या कंपनीज एक्ट ये स्पेसिफाई करता है कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में कब ऐड होना चाहिए कब नहीं ऐड होना चाहिए. जरा चैप्टर के आगे की हेडिंग्स में देख के आओ कहीं स्पेसिफाइड है, है? सारे जवाब यही मिल जाएंगे. एक हेडिंग मिलेगी आपको जिसमें साफ साफ है ना, उसको अब वहां तक गए हैं तो उस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क कराइए. मिल गया. तो ये सेबी रेगुलेशन ने बताया है कि कब ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं ये उनकी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट फॉर्म कर ले. फाइन, ठीक है. तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. अब अगर आप टर्न करके देखें तो कुछ बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं. ठीक है, तो मोस्ट प्रोबली कल भी क्लास है आपकी, ठीक है, रेगुलरी होगी, तो मोस्ट प्रोबली कल हम लोग शायद फिनिश कर लें इस चैप्टर को. ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो दिन में खत्म होता है, ये चैप्टर छोटा है बाय डिफॉल्ट, अगला चैप्टर छोटा नहीं होगा. ओके, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू.